वक्रतुल महाकाय सूर्यकोटि सबस्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं एक बार फिर से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस मंच पे आसीन और सभागार में उपस्थित तमाम मोइज़ेस अतिथिगण का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और विशेष अवसर पर सर मैं अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की टीम और विशेषतः उसके चेयरमैन श्री केशव वर्मा साहब जो आज नहीं आ पाए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने हर कदम पर इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने में हमारा मार्गदर्शन किया। आप सभी का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करने के लिए आयुक्त जम्मू नगर निगम जो कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड की CEO भी हैं महोदया अवनी लवासा जी से अनुरोध करूंगी कि वह मंच पर आए। प्रार्थना है आपसे, पुरानी कहावत गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, मैन ऑफन फॉरगिव्स बट नेचर नेवर फॉरगिव्स, और हमें ये याद बराबर रखना होगा। प्रकृति हमारा एकमात्र घर है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, इसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमें आगे बढ़ाना है या डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में तब्दील करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो प्लान बना है वो इस पॉलिसी को ध्यान में रख करके पर्यावरण के अनुकूल तथा सामंजस्य स्थापित करके तैयार किया गया है। जनभागीदारी से इसको अस्थायी और प्रोडक्टिव बनाने की जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर है। मुझे विश्वास है कि जम्मू की जागरूक जनता पूरे स्वाभिमान के साथ यहां की संस्कृति और प्रकृति को सहेज कर रखने में निश्चित रूप से योगदान करेगी। मैं 3 बजे प्रेस मिला हूं तो उसमें बहुत सारी बातें यहां तक करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी द्रुत गति से आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और मुझे प्रति एकड़ में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और टनल के लिए मिल चला है। खासतौर से जम्मू डिवीजन बिहार में 11 नई महत्वपूर्ण सड़क भारत सरकार ने स्वीकृत की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले महीने 2 महीने में 3 और नई सड़कें स्वीकृत की जाएंगी। तो मैंने वहां चर्चा किया था कि जो रिपीट सेरेमनी हो रही है आने जाने में लोगों को दिक्कत है, वो अब 4 लेन की सड़क एयरपोर्ट वहां तक बनने जा रही है। सरकार ने अभी 7 फरवरी को श्रीनगर में झेलम रिवर डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया और आज 12 तारीख को मैंने 1 सप्ताह के अंदर तभी रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ आपके सामने हुआ। धीरज गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं इसके तकनीकी पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पानी भी यहां मौजूद है इसके लिए भी काम होगा और साबरमती रिवर फ्रंट की बहुत चर्चा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने की है। एक बात मैं केवल विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूं, साबरमती के जो सबक थे वो सबक हमने जम्मू में लिया है। जब साबरमती रिवर फ्रंट बना था, अच्छा बना है, तो उस समय उन लोगों ने पर्यावरण का, ग्रीनरी का, कई चीजों का ध्यान नहीं रखा, बाद में उसे वो कर रहे हैं। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो सब चीजें जो प्रथम चरण में होनी चाहिए तभी रिवर फ्रंट में उसका समाविष्ट पहले से किया गया है। मैं समझता हूं इसके कारण निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा और आकांक्षा के अनुरूप ये परियोजना बनकर के तैयार है। और कई साथी थे, एक कार्यक्रम में शाम को मैं था, वहां गुरुजी शर्मा जी, सम्माननीय मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, संस्कृत सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री धीरज गुप्ता, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री दिलबाग सिंह, मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल, जम्मू की म्युनिसिपल कमिश्नर तथा स्मार्ट सिटी की CEO अवनी लवासा, आज के कार्यक्रम में उपस्थित डिप्टी मेयर साहिबास, विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक
और व्यापारिक संगठनों के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, कॉरपोरेटर्स, संजीव वर्मा जी, राघव लंगर जी, मुकेश सिंह जी, डीसी जम्मू, पत्रकार मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, सिटी लिमिटेड की ओर से सबसे पहले मैं माननीय उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने न सिर्फ आज हमारे लिए समय निकाला बल्कि सभी हिंदुस्तान प्रोजेक्ट को हर कदम पर सहयोग दिया है और हमारा मार्गदर्शन किया है। सर, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पूरी टीम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और चेयरमैन स्मार्ट सिटी बोर्ड डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें लेना होता था, उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता था, एजुकेशन करनी पड़ती थी, धरने और प्रदर्शन।